आपके घर में जब तक कोई पुण्यशाली व्यक्ति रहता है तब तक आपके घर में कोई नुकसान नहीं कर सकता। जब तक विभीषण जी लंका में रहते थे तब तक रावण ने कितना भी पाप किया परंतु विभीषण जी के पुण्य के कारण रावण सुखी रहा। परंतु जब विभीषण जी जैसे भक्त वत्सल भक्त को लंका से निकाल दिया गया तब से रावण का विनाश होना शुरू हो गया। अंत में रावण की सोने की लंका का दहन हो गया और रावण के पीछे कोई रोने वाला भी नहीं बचा। ठीक इसी तरह हस्तिनापुर में जब तक विदुर जी जैसे भक्त रहते थे तब तक कौरवों को सुख ही सुख मिला। परंतु जैसे ही कौरवों ने विदुर जी का अपमान करके राज्यसभा से चले जाने के लिए कहा तब भगवान श्री कृष्ण जी ने विदुर जी को तीर्थ यात्रा के लिए भेज दिया और कौरवों का पतन होना चालू हो गया और अंत में राज भी गया और कौरवों के पीछे कोई कौरवों का वंश भी नहीं बचा। इसी तरह हमारे परिवार में भी जब तक कोई भक्त और पुण्यशाली आत्मा होती है तब तक हमारे घर में आनंद ही आनंद रहता है। ईश्वर शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित रहे। धर्म की जड़ जहां होगी वहां अशुभ कर्म आने से डरेंगे। कभी किसी का अपमान मत करिए क्योंकि अपमान का घाव कभी नहीं भरता। हो सकता है आज आप जिसका अपमान कर रहे हैं कल उसी के सामने आपको झुकना पड़े। कर्मों का खेल भी निराला है। जो जैसा बोता है उसे वैसा ही काटना पड़ता है। आज दौलत या फिर ताकत के नशे में किसी का अपमान कर दिया तो क्या वह कर्म कभी पीछा छोड़ेंगे? हो सकता है आपकी धन संपदा सब कुछ उसी व्यक्ति के भाग्य से हो। कौन जानता है कि कौन किसके भाग्य का खाता है। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। भीष्म पितामह जैसे महाज्ञानी को भी भगवान से पूछना पड़ा कि उनके कौन से कर्म के कारण आज वे बाण की शैया पर लेटे हैं। भगवान ने उन्हें बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि कर्मों की गति बहुत गहरी है इसलिए बहुत सोच समझ कर करिए। उनका अपराध था कि वह अन्याय को मूक दर्शक बनकर देखते रहे। जब उन्होंने उसका विरोध नहीं किया तो वे उसके भागीदार बन गए। मानिए या फिर मत मानिए कर्मों का हिसाब हर किसी को देना पड़ता है चाहे वह आज का कर्म हो या फिर 1000 वर्ष पुराना कर्म हो। कर्म हमेशा वापस लौट कर आते हैं। रिश्ते नाते दोस्त परिजन सर्व कर्मों की बदौलत है। हम कर्मों से कभी भाग नहीं सकते। भगवान ने गीता में कहा है कि कर्मों की गति बड़ी गहन है। साधु हो या फिर संत सब इसके जाल में फंसे हुए हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस माता के परम भगत थे पर जब उन्हें गले का कैंसर हो गया तो उनके शिष्यों ने उनसे निवेदन किया कि आप माता से कहकर अपनी बीमारी दूर कर लीजिए। पर स्वामी जी ने जवाब दिया यह मेरे कर्म है जो मुझे भोगने ही है। अगर इस जन्म में नहीं भोगे तो अगले जन्म में दुगने होकर मिलेंगे। जब तक उनका शरीर था तब तक उन्हें उस तकलीफ से गुजरना ही पड़ा। हमारे शरीर की हर पीड़ा के पीछे कहीं ना कहीं हमारे कर्म ही होते हैं। इसलिए ना ही कभी किसी का दिल दुखाएं और ना ही पीड़ा पहुंचाएं। कुछ लोगों को बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है तो कुछ लोगों को मेहनत के बाद भी कुछ नहीं मिलता। एक मजदूर दिन भर मेहनत करके 400-500 रुपए ही कमा पाता है तो वहीं एक अमीर आदमी पलंग पर बैठे बैठे दिन भर में लाखों रुपए कमा लेता है। कर्मों का प्रभाव ऐसा होता है कि जितना भी भोगने की कोशिश करिए वह आपको पकड़ ही लेगा। इसलिए अच्छा करिए तो बदले में अच्छा ही मिलेगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो ने भी आपको जागरूक किया होगा। अगर करा हो तो अपने सभी दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करके उनको भी कर्मों के प्रति जागरूक जरूर करें जिनसे वो भी आने वाले समय में अच्छे कर्म कर सके। धन्यवाद।